येशु पर मुकदमा चल्द। अब यो अधराती को बग छऊ उसी पे येशु ते महायाजक का घर लीगिन किले की वो येशु बटी सवाल कन चांद छा। पतरस दूर बटी ही उनको पीछा कन चांद छो। जब सिपाही येशु ते घर में लेनी तो पतरस भैर रुकी के अपते आग बटी गरम कन लगे। घर का भीतर यहूदी अगुओं येशु पर मुकदमा चले। वो येशु का विरुद्ध झूठी बात उते बोलने को बहुत सा झूठा गवाह उते लेके आनी, जबकि उनकी बात एक दूसरा बटी सहमत नहीं छे। इले यहूदी अगुआ यु साबित नहीं कर सकिन कि वो कै बात को दोष छ। येशु कुछ नहीं बोली। आखिर में महायाजकल सीधा येशु का तरफा देख के बोली, हम ते बताओ कि क्या तू ही जूंद परमेश्वर को नौन मसीह छे। येशु बोली, मी छो और तुम मीते पिता परमेश्वर का दगड़ी बैठ्यू और स्वर्ग बटी आन दिखला। महायाजक अपने कपड़ा फाड़ दीन कि जो येशु बोली उवी बात पर बहुत गुस्सा वेन। वो है का अगुओं पर चिल्लाई, हमते यु बताण को कह है का गवाह की जरूरत नीच कि ये आदिमल के कहर। तुम लाफी वे ते यु बोल सुने ली कि वो पिता परमेश्वर को नौन च, वे का बारे में तुम्हारो क्या विचार च। सब यहूदी अगुओं महायाजक ते जवाब दीन वो मरण का लायक च। तब उन येशु की आंखों पर पट्टी बांधीन, वे पर थूकी, वे ते मारी और वे को मजाक बने। और पतरस जब वे घर का भैर इंतजार कनो छो तब एक नौकरियाणल वे ते देखी। वी लो बेटी बोली, तू भी तो येशु का दगड़ी छे। पतरस अल मना कर दीन। बाद में कह है कि लड़की ई बात ते बोली और पतरस अल फिर से मना कर दीन। आखिर में कुछ लोग बोली, हम जानता छा कि तू येशु का दगड़ छे कि लेकिन तुम दुई गलील बटी ही छा। तब पतरसल बोली, जो मैं ये मनिक थे जान छो तो पिता परमेश्वर मी ते दंड दियो। तुरंत ही पतरस का ई शपथ खाना का बाद एक मुर्गा ल बांग दे। येशु पिछनी मुड़ी के पतरस ते देख। पतरस वोक बटी चल गए और बंकुर बंकुर के रोन लगे। वे भगत येशु ते पकड़ान वालो यहूदल देखी कि यहूदी अगुओं येशु ते मौत की सजा दीन। यहूदा बहुत ही दुखी हुए गे और जय के अपने मार दीन। अब वे देश को राज्यपाल पिलातुस छो, वो रोम को काम कर दू छो। यहूदी अगुआ येशु ते वे में लेके आई। वो चान छो कि पिलातुस वे ते मौत की सजा दो और वे ते मार डाल। तब पिलातुस अल येशु बेटी पूछी, क्या तू यहूदियों को राजा छे। येशु जवाब दीन, तिल सच्ची बोली, पर मेरो राज्य एक धरती को नीच, जो हों तो मेरे नौकर मी को लड़े कर दा। मी पृथ्वी पर पिता परमेश्वर का बारे में सच बताण को आयु। हर एक आदिम जो सच बटी प्रेम कर दो उ मेर सुन दो। पिलातुसल बोली, तो सच क्या छ। येशु का दगड़ी बात करना का बाद पिलातुसल बहर भीड़ में जाए कि बोली, मी इन कोई कारण नहीं पांदो कि यु मनिक मरे जाने का योग्य हो। पर यहूदी अगुओं और भीड़ल चिले के बोली, वे ते सूली पर चढ़ा दिया। पिलातुसल जवाब दे, वो कुछ भी गलत कनु को दोष नीच। पर वो और भी ऊंची आवाज में चिल्लाने लगिन। तब पिलातुसल तीसरी बार बोली, वो दोषी नीच। पिलातुस डर गए कि वह भीड़ दंगा सुर कर नीच। इले वो अपने सिपाहियों द्वारा येशु ते सूली पर चढ़ाने को मान गए। रोमी सिपाहियों लो येशु ते कोड़ा लगे नी और वे ते राजकीय कपड़ा पहरेन और वे का मुंड में कांडों को मुकुट रखी। तब वो यू बोल के वे को मजाक बनाने लगीन, देखा यहूदियों को राजा। मत्ती 26 का 27 से 57, मरकुस 14 का 15 से 53, लूका 22 का 23 से 54, 25, यहुन्ना 18 का 12 से 19, 16 बटी एक बाइबल की कथा।